Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज मी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टोटल धमाल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस जैसा आपको पता ही है कि इस मूवी में लीडिंग रोल में सुपरस्टार अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, जॉनी लीवर, रितेश देशमुख जैसे बड़े बड़े स्टार इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। और अगर बात की जाए मूवी के रिलीज डेट की, तो मूवी को 22 फरवरी को पूरे इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में रिलीज़ कर दिया गया था। और बात की जाए मूवी के कलेक्शन की, टोटल धमाल ने अपने मंडे में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। और उस मूवी ने अपने सैटरडे में जो कलेक्शन किया था वो 7.2 करोड़ का कलेक्शन किया था, संडे में 11.45 करोड़ का कलेक्शन किया था, और मंडे में मूवी ने 6.03 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ मूवी का जो टोटल कलेक्शन हो चुका है वो 123.80 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, यानी करीब करीब 124 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। और बात की जाए अगर मूवी के प्रिडिक्शन की, तो मूवी का अपने 12th डे का यानी अपने 12वें दिन में जो मूवी कलेक्शन कर सकती है इंडिया के बॉक्स ऑफिस में, वो अराउंड 4 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। साथ साथ अगर बात की जाए टोटल कलेक्शन की, तो मूवी 12 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस में 128 से 129 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लेगी। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर हिट हो चुकी है, इसे वर्डिक्ट मिल चुका है सुपर डुपर हिट होने का। तो आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में, उसके कलेक्शन के बारे में? अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, आप हम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।